तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं जिन सैमसंग के मोबाइल में से वन यूआई 3.1 का अपडेट आ चुका है, या बोल सकते हैं 3.0 का अपडेट आ चुका है दोस्तों। उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन की जो सेटिंग होती है उसके अंदर आपको एक सेटिंग मिलती है जिसका नाम है एडवांस सेटिंग। दोस्तों जो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ एडवांस सेटिंग, नोटिफिकेशन के अंदर जो एडवांस सेटिंग होती है उसके सारे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। कहाँ ये आपको एडवांस सेटिंग मिलेगी, कैसे उसको यूज़ करेंगे और इससे आप क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ नोटिफिकेशन के एडवांस सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लूँगा और यहाँ पर आपकी वीडियो लगा दूँगा जिससे आप इजीली वहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन। तो दोस्तों ये रिकॉर्डर ऑन हो चुका है और आपको यहाँ पर मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने का दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे, ये नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर नोटिफिकेशन वाली सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है एडवांस सेटिंग, आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर ही आप देखेंगे एडवांस सेटिंग खुल चुकी है। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर मिल रहा है स्टेटस बार के अंदर शो नोटिफिकेशन आइकन। यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे दोस्तों, मेरे पास ये नोटिफिकेशन दिख रही होगी। टाइम के बगल में आपको यहाँ पर तीन आइकन दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे 1, 2, 3। आप काउंट करेंगे तो आपको 3 दिख रहे होंगे और आगे पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओ मतलब कि और भी नोटिफिकेशन पेंडिंग है। यहाँ पर ये है शो नोटिफिकेशन आइकन, यहाँ पर मैंने लगा रखा है 3 मोंट रिसेंट। अगर मैं ऑल पे कर दूंगा तो आप देखेंगे अब जितनी भी मेरे पास ऑल से जितनी स्पेस है उसके हिसाब से उन्होंने ऑल के हिसाब से मुझे वहाँ पर बता दिया आइकन। या फिर अगर मैं नंबर पे कर दूंगा तो ये पेंडिंग नोटिफिकेशन बता देगा, आपको दिख रहा होगा 7 नोटिफिकेशन पेंडिंग है। और या फिर नन कर दूंगा तो कुछ भी नहीं बताने वाला है। तो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। लाइक आपको अगर नंबर पे चाहिए थे कि कितनी नोटिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है तो आप नंबर कर लीजिए, जितनी भी नोटिफिकेशन पेंडिंग होगी तो आपको नंबर वाइज बताएगा। या जैसे कि बाय डिफॉल्ट 3 मोड रिसेंट रहती है तो वैसे देख सकते हैं तो वैसे हो जाएगा। तो सबसे पहली सेटिंग तो यही है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको ये ऑप्शन मिल रहा है शो बैटरी परसेंटेज। वहाँ पर अगर आप बैटरी का परसेंटेज चाहते हैं तो आप हटा दीजिए, नहीं तो हटा दीजिए, कोई काम का नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये काम का फीचर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है दोस्तों। नोटिफिकेशन हिस्ट्री मतलब कि यहाँ पर कि अगर आपने इसको ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद जितनी भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, जिसकी भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी बाय डिफ़ॉल्ट 24 आवर्स के लिए यहाँ पर वो सेव हो जाएगी। आप उसको इजीली रिकवर कर सकते हैं और बाद में उसको देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपने कोई आपने मान लो अगर आपके इतनी सारी नोटिफिकेशन पेंडिंग है और आपने उसको क्लियर और कर दिया, बट आपको चाहते हैं कि यार मुझे नोटिफिकेशन देखना था, तो आप यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आ जाएंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, कौन कौन सी आपके पास नोटिफिकेशन आई थी जिसको आपने मिस कर दिया और बाद में आप उसको इजीली उसको रीड कर पाएंगे। मैंने इसको पहले ऑफ कर दी, ऑन ऑफ कर दिया था, नहीं तो मैं आपको दिखाया था मेरे पास कितनी सारी नोटिफिकेशन पेंडिंग थी, मैंने जल्दी जल्दी में उसको ऑफ कर दिया, नहीं तो आपको पूरा डेटा बताया था। बट आप इसको यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा। इसका और एक अच्छा यूज है जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां जाके वाली वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहां पर बैक आएंगे, उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्सेशन का, उसके अंदर जाएंगे दोस्तों कन्वर्सेशन का, तो आप यहां पर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कन्वर्सेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक मैसेज से रिलेटेड 4 किसी के नाम भी उठा लेगा। तो ये मेरे पास 4 उन्होंने उठाए हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी पे भी क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें आपको ऑप्शन दे रहा है प्योरिटी पे। अगर ऐसा कोई मैसेज आए तो वो प्योरिटी पे आपको बताए तो आपको उसको हाईलाइट करके बताएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास नोटिफिकेशन आई है, तो आपको वो बताएगा। अलर्ट पे है तो मतलब कि अलर्ट बताने वाला। अगर मैं साइलेंट कर दूंगा तो उसकी कोई नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आने वाली, मैसेज आ जाएगा तो आप ये अपने हिसाब से उसको दे सकते हैं। अगर वो पॉपअप व्यू में चाहते हैं तो पॉपअप व्यू में क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं चाहते कि पॉपअप व्यू में उसका मैसेज आए उस कन्वर्सेशन का पर्टिकुलर का, तो वो पॉपअप में नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप साउंड सेट करना चाहते हैं उस पर तो साउंड सेट कर सकते हैं, वाइब्रेट, ऐप बगेज, लॉक स्क्रीन पे अगर उसका कंटेंट शो हो या ना हो, तो ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से मैसेज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई बैंक के मैसेज है तो आप उसको लॉक कर सकते हैं कि वो वहाँ पर ना दिखे, लॉक स्क्रीन पे ना दिखे, हाइड कंटेंट कि लॉक स्क्रीन पे नहीं दिखे, या पॉपअप में नहीं आए, या उसका साउंड ना लगाए, तो आप यहाँ से उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं आपके पास ये जितनी भी कन्वर्सेशन मिल जाएगी, मेरे पास बहुत कम मैसेज कन्वर्सेशन है इसलिए कम दिख रहे हैं। अगर आपके पास कोई ज़्यादा कन्वर्सेशन होगी मैसेज की तो उसके हिसाब से आपको हाईलाइट बता देगा और आप उसको वहाँ से क्रिएट कर पाएंगे नोटिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे जो सबसे कमाल का फीचर है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। फ्लोटिंग नोटिफिकेशन मतलब कि अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा,
और अगर बबल्स में कर देंगे तो आप देखेंगे अगर कोई भी आपके पास कोई मैसेज या कुछ भी आएगा तो आपको बबल्स आपको नीचे दिख रहा होगा इसमें क्या आएंगे। और अगर स्मार्ट पॉपअप कर देंगे तो कोई भी मैसेज आएगा तो स्मार्ट पॉपअप में खुल जाएगा, आपको नीचे डेमो ही मिल जाएगा। और अगर आप ऐप सेट करना चाहते हैं कि इसकी कोई भी रिलेटेड वो आए आपके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक पॉपअप में आ जाए तो ये सारी ऐप मिल जाएंगी, आपको सबको ऑन कर लेना है तो ऑटोमेटिक आपको पॉपअप में उसकी नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगी। उसके दोस्तों ये ऑप्शन है सजेस्ट एक्शन रिप्लाई नोटिफिकेशन, आप देखते होंगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका लाइव वर्क कैसे काम करता है। तो मैं पहले यहाँ से डू नॉट डिस्टर्ब से हटा दूँ और मैं यहाँ पर अपने ही व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपने नंबर पे यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज करा है और जैसे ही मैंने यहाँ पर मैसेज करूँगा आप देखेंगे एक मैसेज आएगा मेरे पास, ये आप देख रहे हैं मैसेज आ गया। आप जैसे ही मैं उसको यहाँ पर नीचे ड्रॉप डाउन करूंगा तो आप देखेंगे वो आपको सजेस्ट कर रहा है हाउ आर यू, अगर जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो हाउ आर यू ऑटोमेटिक यहाँ पर सेंड हो जाएगा। तो ये होता है सजेस्ट रिप्लाई, यहाँ आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन में आपको ऑप्शन मिल रहा है सजेस्ट एक्शन रिप्लाई फॉर नोटिफिकेशन, तो आप इजिली किसी चीज़ का रिप्लाई कर सकते हैं लाइक हाई या कॉमन जो भी उसको लगेगा तो आपको वहाँ सजेस्ट करेगा, सिर्फ आपको उस पर क्लिक करना रहेगा बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वो सेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको मिल रहा है नीचे ऑप्शन नोटिफिकेशन रिमाइंडर का, जो कि बहुत ही काम का ऑप्शन जो मुझे लगता है दोस्तों। नोटिफिकेशन रिमाइंडर मतलब कि अगर आप कुछ ऐसा वर्क करते हैं या फिर आप बार बार नोटिफिकेशन भूल जाते हैं कि किसी का आया हुआ है पेंडिंग है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम सेट कर लेंगे कि कितने मिनट बाद आपको रिमाइंड कराएं, लाइक यहाँ मैंने डाल दिया 15 मिनट बाद, अगर कोई नोटिफिकेशन मेरे पास पेंडिंग पड़ी है लाइक मिस कॉल मैसेज या कुछ भी तो हर 15 मिनट बाद आपको रिमाइंड करेगा कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन पेंडिंग है, आपको वाइब्रेट करके बताएगा कि कुछ नोटिफिकेशन पेंडिंग है उसको रीड कर लीजिए। तो ये इसलिए काम करता है। तो यहाँ पर आप अपनी ऐप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप की आपको बताएं, उसके अलावा कोई फालतू की ऐप की होगी तो आपको रिमाइंड नहीं करेगा, तो जो कि बहुत ही काम का फीचर है। उसके बाद दोस्तों ऐप आइकन बगेज वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर और डॉट वाला सिस्टम है जो कि मैंने बताया, यहाँ पर आप देखेंगे कैसे काम करता है बताता हूँ। जैसे ये नंबर पे है आप देखना, ये मेरे पास मैसेज दिख रहे हैं आपको पेंडिंग दिख रहे होंगे 99999 प्लस, अगर मैं उसको यहाँ पर डॉट में कर दूंगा और अब आके बाहर देखूंगा तो आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पर डॉट बता रहा है कि सिर्फ आपके पास पेंडिंग है। तो ये होता है ऐप बगेज का काम। तो दोस्तों ये थी नोटिफिकेशन की एडवांस सेटिंग के बारे में दोस्तों जो कि मैंने बताया। उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, वहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर और ये आपको नाम दिख रहा होगा मेरा, यहाँ पर आप जाके मुझे डायरेक्टली फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उस पर जवाब दूंगा। और हो सके दोस्तों आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मेरे दोस्तों हो सके। तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।